नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिला स्तर पर फैली हुई अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद बांदा के कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी बांदा को गौ माता के तस्वीर एवं पराक्रम पुस्तिका भेंट कर सम्मानित किया गया एवं विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांग की गई, जिसमें से जिले में संचालित स्थायी एवं अस्थायी गौशाला तत्काल प्रभाव से सभी गौवंशों को जिले की सभी गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। बीमार, असहाय और निराश्रित गायों की दशा बहुत ही चिंतनीय है। घूम रहे सड़क पर आवारा गौवंश को वाहन से पकड़कर गौशाला भिजवाने के लिए कार्य किए जाए। नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत सभाओं की ओर से लाउडस्पीकर क्षेत्र के गाँव में जाकर लोगों से अपने गायों को बांध कर रखने की अपील तथा सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंश मालिकों पर कार्यवाही की जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। ये बताइए, किन समस्याओं को लेकर आप कहां आए हैं आज? हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति की ओर से, क्योंकि बांदा जिले में लगातार पूरी गौशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। उसी गौशालाओं को हमारा प्रयास लगातार चल रहा है गौशालाएं खुल जाएं, इसी वजह से आज हम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। डीएम साहब जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंतर्गत पूरे जिले में गौशालाएं खोल दी जाएंगी। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।